Assalamu alaikum, I am Dr. Nida and today I will discuss circulatory response to exercise. Yani cardiovascular system jo hamare paas sabse main and most important system hai, jab bhi hum exercise kar rahe hote hain to kya behave karta hai ya kya response karta hai, we will discuss today. To circulatory system ke bare mein agar hum discuss kare to circulatory system always work with pulmonary system, yani ki hamesha aapka jo heart hai kaam kar raha hota aapke lungs ke sath, isliye hum isko ek sath bhi consider karte hain aur kehte hain cardiopulmonary ya cardiorespiratory system. Agar hum basic iska purpose dekhen to most and main important is the function in transport of oxygen and removal of carbon dioxide. उसके साथ साथ आपके टिश्यूज में न्यूट्रिएंट पहुंचाना और जितने भी वेस्ट है उसको टिश्यू से बाहर लेके आना, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपकी बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट करना. अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, अगर आपने फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आप उसको अपने ब्रेन में रखें और उसको रिवाइज करते जाएं. सेम एज इट इज़ वही सिस्टम है, हम उसको डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विद दी एक्सरसाइज. मेजर एडजस्टमेंट जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो दो होती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका कार्डिक आउटपुट का बढ़ जाना एंड आपके जो ब्लड फ्लो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूट करना. तो दो एक फंक्शन जो है मेन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें ये एडजस्टमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के हम कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं. नंबर वन इज़ हार्ट. हार्ट का क्या काम है, बेसिक फंक्शन है ब्लड को पम्प करना. दूसरा देखें आर्टरीज एंड आर्ट्रियूल्स हैं, क्या करते हैं ब्लड जो है वो हार्ट से दूर लेके आ रहे हैं कैपिलरीज, वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट हो रहा होता है. वेन्स एंड वेन्यूल्स को देखें तो ये हार्ट की तरफ ब्लड जो है वो लेके आ रहा है. ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम दो सर्किट्स की बात करते हैं. नंबर वन सर्किट इज पल्मोनरी सर्किट एंड सेकंड इज सिस्टमिक सर्किट. इफ वी टॉक अबाउट पल्मोनरी सर्किट दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, सिस्टमिक सर्किट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. एज द नेम शोज पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स, यानी वो सर्किट जहाँ पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मिलेगा. तो ये आपके राइट साइड पे होता है. इसमें जो होती है पल्मोनरी आर्टरीज वो क्या करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लंग्स की तरफ, एंड देन लंग्स क्या करता है पल्मोनरी वेन से उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्लियर साफ करके उसमें प्योर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में आपकी आपके हार्ट को वापस भेज रहा होता है. और इसके अगर हम प्रेशर देखें तो लो प्रेशर होता है. सिस्टमिक सर्किट की देखें तो ये लेफ्ट साइड पे. अब क्या है कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज कहाँ लेके आ रही है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे भी आपकी बॉडी को चाहिए, यानी पूरी बॉडी में जो ब्लड हो रहा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो सिस्टमिक सर्किट से पल्मोनरी आर्टरीज लेके आ रही हैं आपके हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ. अब जो डी ऑक्सीजन यूज़ हो गई, अब आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा होता है आपकी वेन्स के ज़रिए हार्ट के पास, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा हाई होता है. हाँ, इफ़ वी डिस्कस अबाउट हार्ट वॉल्स, दे आर थ्री वॉल्स. नंबर वन इज एपिकार्डियम, सेकेंड इज मायोकार्डियम एंड थर्ड इज एंडोकार्डियम. एपी इज आउटर लेयर, मायोकार्डियम इज द मस्कुलर लेयर इज इन बिटवीन एंडो एंड एपिकार्डियम. एंड इफ यू टॉक अबाउट एंडोकार्डियम डैट इज द इंटरनल लेयर दैट लाइनिंग द चैम्बर्स एंड वॉल्स. कंपैरिजन ऑफ कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स अगर हम देखें तो हार्ट जो मसल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल्ड में नहीं होते. स्केलेटल मसल्स हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, हार्ट को हम नहीं बोल सकते भाई रुक जा और वो रुक जाएगा बिकॉज इट्स इनवॉलेंट्री मसल्स. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दोनों में प्रेजेंट होती हैं. अगर हम मसल्स फाइबर की बात करें तो हार्ट के मसल्स फाइबर हमेशा शॉर्ट होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स के एलोंगेट होंगे और ब्रांचिंग नहीं होगी. न्यूक्लियाई आपको हार्ट में सिंगल मिलेगा एंड स्केलेटल मसल्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई मिलेंगे. जेड डिस्क दोनों में प्रेजेंट है, स्ट्राइटेड हैं दोनों. बेसिक अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो आपकी जो हार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरोबिक सिस्टम से चाहिए होती है, जबकि स्केलेटल एरोबिक एनएरोबिक दोनों में वर्क कर सकता है. एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोटेक्ट्स द हार्ट. अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हमेशा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं
वो जो है उन पे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट डिजीज़ जितने भी होते हैं, हार्ट अटैक्स हो गए, उनसे हमेशा जो है वो प्रिवेंशन की तरफ रहते हैं। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट हमेशा एक्टिव और अच्छी हालत में रहेगा। तो एक्सरसाइज करने से आपकी जो मायोकार्डियल डैमेज है, यानी आपकी जो हार्ट की मिडल लेयर है, जो मायोकार्डियम है, बेसिकली जो जो फंक्शन करती है, आपको पूरा हार्ट पंप करता है, वो जो है वो डैमेज नहीं होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहें तो उससे ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, खासतौर पर एरोबिक एक्सरसाइजेस आपको हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस से प्रिवेंट कर रही होती है। इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस अगर आप ये ग्राफ की तरफ देखें तो ग्राफ में जितने भी ट्रेंड है जो एक्सरसाइजेस करते हैं उनमें हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम है, और जो अनट्रेंड है यानी जो कम एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स जो हैं वो कॉमन है, ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा रेशियो हमें मिल रहा है। Now we will talk about cardiac cycle. Cardiac cycle consists of two phases. Number one is systole, second is diastole. Systole is contraction phase, diastole is relaxation phase. Contraction phase means ejection of blood, relaxation phase means filling of blood. जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका डायस्टोल इज डायस्टोल आपका हमेशा क्या होता है, लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सिस्टोल। एंड व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज आपका जो सिस्टोल है और डायस्टोल है दोनों शॉर्टर हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सिस्टोल कितना है, 0.3 सेकंड एट रेस्ट, एंड डायस्टोल इज 0.5 सेकंड एट रेस्ट। एंड व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज सिस्टोल इज 0.2 सेकंड एंड डायस्टोल इज 0.13 सेकंड। प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, प्रेशर चेंजेस की हम बात करें तो डायस्टोल में जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स में लो होता है क्योंकि फिलिंग हो रही होती है, सिस्टोल में जो है ब्लड इजेक्शन हो रही होती है तो प्रेशर आपका राइजेस होता है, ज़्यादा होता है आपको मिलेगा। हार्ट साउंड्स की बात करें तो वी हैव टू हार्ट साउंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इज ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ए बी वॉल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। सेकेंड हार्ट साउंड की बात करें डैट इज ड्यू टू aortic एंड पल्मोनरी वॉल। तो हार्ट साउंड हम इसलिए सुनाई देते हैं क्योंकि हमारे हार्ट के जो वॉल्स हैं वो क्लोज हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, हमने पढ़ लिया सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब क्या हुआ, किसी भी रीज़न से इसमें अगर तब्दीलियाँ आना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, तो आपको जो है हाइपरटेंशन का इशू हो जाता है, और नॉर्मल आर्टेरियल प्रेशर जो है, यानी नॉर्मल जो भी आर्टरीज में आपका जो ब्लड पंप हो रहा है वो कितना होता है, 120/80। एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज, डायस्टोलिक इज कार्डिक रिलैक्सेशन फेज। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। और अगर आपको मीन एट्रियल प्रेशर निकालना है, यानी एवरेज प्रेशर इन द आर्टरीज, तो आपके पास फॉर्मूला है डायस्टोलिक बीपी डीबीपी प्लस 0.33। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को माइनस करेंगे, इस फॉर्मूले के जरिए वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास मीन एट्रियल प्रेशर आ जाएगा। हाइपरटेंशन, अब आपका जो नॉर्मल एट्रियल प्रेशर है अगर वो राइज हो जाए एक हद से ज़्यादा, तो आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। यानी अब आपका रेस्ट में भी आपका ब्लड प्रेशर क्या रहना शुरू हो गया, हाई रहना शुरू हो गया। 140/90 से अबव है तो आप इसको कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन। देर आर टू कॉसेज ऑफ हाइपरटेंशन, नंबर वन इज प्राइमरी कॉज, सेकेंड इज सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज का जो रीज़न है डैट इज़ अननोन, और 90% केसेस में पेशेंट्स को प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की हम बात करें डैट इज़ ड्यू टू सम अदर डिजीजेस। अब जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो रिस्क फैक्टर्स पे उनको डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, हार्ट अटैक है, किडनी डैमेज एंड स्ट्रोक वगैरह। आप हमेशा ब्लड प्रेशर कैसे मेजरमेंट करते हैं, स्फिग्मोमीटर से कर रहे होते हैं, और इसके जो साउंड आता है फर्स्ट एंड सेकेंड उसके बेसिस पे आप कर रहे होते हैं। अब हम फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि जिसके बेसिस पे आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कार्डिक आउटपुट एंड टोटल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इफ वी मल्टीप्लाई बोथ तो हमारे पास मीन एट्रियल प्रेशर आ जाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो रेगुलेट करने के लिए दो हैं प्रोसेस, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की बात करें डैट इज बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें डैट इज कंट्रोल्ड बाय योर किडनीज। सो फैक्टर्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, देन योर स्ट्रोक वॉल्यूम विल इंक्रीज,
peripheral resistance will increase, blood viscosity will increase. If they all are increased, automatically your blood pressure will increase. So ye sare factors hain jin pe aapka BP bahut hi zyada depend karta hai. Electrical activity of the heart. Electrical activity yani aapki contraction of the heart kis pe depend kar rahi hai, aapki electrical stimulation of myocardium mein. Hamare paas conducting system hota hai, conducting system mein hamare paas SA node hai, sinoatrial node, phir atrioventricular node hai, phir bundle branches hai and Purkinje fiber. Ye conducting system of the heart hai jis pe aapki heart ki activity depend kar rahi hoti. Electrocardiogram ECG basically kya kar raha hota hai, aapki heart ki electrical activity ko record kar raha hota hai. इसके पास पी वेव है, क्यू आर एस वेव है एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर टी वेव. पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल रीपोलराइजेशन शो कर रहा है एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो कर रहा है. अब अगर आपकी इस चीज में कोई प्रॉब्लम आना शुरू आ गई हो गई है, एबडोमिनलिटी आ रही है, इट इंडिकेट्स डैट आपको कोई भी हार्ट का इशू हो सकता है एंड प्रॉबेबली कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है या कुछ भी हार्ट से रिलेटेड आपको कोई इशू है. ईसीजी से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, हार्ट जो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं. हमारा कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है. इसके अलावा डायग्नोस्टिक यूज़ के लिए ईसीजी जो हम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के दौरान, उसमें हम ग्रेडेड एक्सरसाइजेस टेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान उसके हार्ट की एक्टिविटी, और उसमें ईसीजी पे भी चेक कर रहे होते हैं, साथ साथ उसके ब्लड प्रेशर भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अगर आपको कहीं एक्सरसाइज प्रॉब्लम आएगी तो वो इंडिकेशन होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. कार्डिक आउटपुट बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट ईच मिनट, यानी एक मिनट में आपका कितना ब्लड पंप हो रहा है. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट इज नंबर ऑफ बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्शन इन ईच बीट. और ये सब किस पर डिपेंड करता है, आपके ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग है एंड जेंडर पर. कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें, आपका हार्ट रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी नर्व्स एंड हार्मोन्स पर भी डिपेंड कर रहा होता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम देखें तो ब्लड वॉल्यूम एंड वैस्कुलर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है. रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट हम देखें कैसे हार्ट रेट रेगुलेट कर रहा है. एक हमारे पास है सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास है पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पथैटिक वर्क थ्रू योर वेगस नर्व, क्या करता है आपके हार्ट रेट की एक्टिविटी को स्लो करता है, कैसे, एसए और एवी नोड को कम करके इनहिबिट करके. सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम वर्क थ्रू कार्डिक एक्सेलरेटर नर्व, और ये क्या करता है आपके एसए एंड एवी नोड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है जिससे आपकी हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं जिनको भी हार्ट के इश्यूज आ रहे होते हैं उनमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इशू या हाइपरटेंशन का इशू, ताकि आपकी हार्ट की एक्टिविटी को, जब आपके हार्ट रेस्ट को, रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर सके और बैक टू नॉर्मल लेके आ सके. आपका बीपी लो कर रही होती है, आपकी आर्टरीज को डायलेट करके आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की उसको कम करती है ताकि आपके हार्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए. रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हम देखें तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम है. एंडास्टोलिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी जब डायस्टोल एंड हो रहा है तो आपके जो वेंट्रिकल्स में ब्लड का कितना वॉल्यूम है. एवरेज आर्टिक प्रेशर देखें तो प्रेशर द हार्ट मस्ट पंप अगेंस्ट जिक ब्लड इज मीन एट्रियल प्रेशर भी हम इसको कह सकते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो कि इन्हांस होती है एपिनेफ्रिन और नोड एपिनेफ्रिन से, जो कि डायरेक्ट किससे रेगुलेट हो रही है, सिंपथैटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट से. इसके अलावा फ्रांक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो डिपेंड करता है आपके वीनस रिटर्न पे. वीनस रिटर्न जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपके वैजो कंस्ट्रक्शन पे जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है. देन योर स्केलेटल मसल्स पंप, स्केलेटल मसल्स पंप जितने आप जो आपके मसल्स होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें जो मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके बेसिस पे आपके स्केलेटल मसल्स पंप की एक्टिविटी बढ़ती है. फिर रेस्पिरेटरी पंप है, आपका जो रेस्पिरेशन ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहा होता है. ये आप स्केलेटल मसल्स पर हम देख सकते हैं फैक्टर्स, जैसे कार्डिक आउटपुट किस पे, आपके कार्डिक रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम पे आपका डिपेंड कर रहा है.
फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड देखें तो ब्लड आपका कंसिस्ट होता है प्लाज्मा एंड सेल्स एंड प्लेटलेट्स पे. प्लाज्मा बेसिकली इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड जिसमें आपके पास आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं. देन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. नंबर वन इज रेड ब्लड सेल्स डेट कॉन्टेन्स हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स स्टार्ट इज वर्क अगेंस्ट इन्फेक्शन. प्लेटलेट्स स्टार्ट इज वर्क फॉर ब्लड क्लोटिंग. हीमाटोक्रेट है परसेंटेज ऑफ ब्लड कंपोज्ड ऑफ सेल्स. आप हीमाटोक्रेट लेवल देख सकते हैं. आपके पास ब्लड सैंपल है, प्लाज्मा है, देन रेड ब्लड सेल्स हैं, देन वाइट ब्लड सेल्स हैं. जो सेल का पोर्शन डैट इज हीमाटोक्रेट. रिलेशनशिप अमंग प्रेशर रेजिस्टेंस एंड फ्लो. आपका जो ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ सिस्टम एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. जितने रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ब्लड फ्लो के लिए गुजरना ज़्यादा मुश्किल होगा. रेजिस्टेंस आपके स्किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. डिपेंड्स ऑन योर लेंथ ऑफ द वेजल एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड द रेडियस ऑफ द वेजल्स पे. अब जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें कौन सी वेजल्स में मिल रही होती है, सबसे छोटी सबसे पतली डैट इज आर्टरियूल्स में हमें सबसे ज़्यादा वेस्कुलर रेजिस्टेंस मिल रही है. ऑक्सीजन डिलीवरी ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं वी नीड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने टाइम ज़्यादा चाहिए, 15 to 25 times ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेस्ट. अब उसको ज़्यादा करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है. जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच पाएगी. दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो. यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें विसरल ऑर्गन्स में हमें नहीं चाहिए ब्लड. हमें कहाँ चाहिए, जहाँ हमारे वर्किंग मसल्स हैं, अपर लिम, लोअर लिम या बैक के मसल्स या चेस्ट के मसल्स, जहाँ जहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ हमें क्या चाहिए होगा, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा. तो इन एक्टिव ऑर्गन से जहाँ हम एक्सरसाइज करें वहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लड आ जाता है. इसलिए कहते हैं जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आप खाना ना खाएं. अगर आप खाना खाएंगे तो आपके GIT को ब्लड चाहिए होगा डाइजेस्ट करने के लिए आपका फूड. तो इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो गैप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कार्डिक आउटपुट में चेंजेस क्यों होते हैं, जब भी कार्डिक आउटपुट बेहतर कैसे होता है, इंक्रीज अगर आपका हार्ट रेट हो जाए और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाए. मैक्सिमम हार्ट रेट अगर आपको अपना निकालना, आप कैसे निकाल सकते हैं, आपकी जो भी एज है आप उसको ईयर्स में लिख के और उसको 220 से माइनस कर दें, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होना चाहिए आपका खुद आ जाएगा. इसके अलावा आपका एट्री वेंट्रिकुलर डिफरेंस है. पिक इक्वेशन हमारे पास होती है VO2 मैक्स, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय लार्ज वर्किंग मसल्स, कि हम कैसे निकालते हैं कार्डिक आउटपुट और एट्रियोवेनस डिफरेंस से. रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जब हम लोकल ब्लड फ्लो कैसे एक्सरसाइज के दौरान रेगुलेट होता है, आपके स्केलेटल मसल्स वेजोडाइलेशन होती है एंड वेजो कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही है, विसरल ऑर्गन्स एंड इनएक्टिव टिश्यूज में, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास एक इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर है. ये क्या करता है, आपके जितने भी स्मूथ मसल्स हैं ये आपकी आर्टरीज और एंडोथेलियम में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है. तो जितने भी स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे वेजोडाइलेट करता है. जैसे वेजोडाइलेशन हो गए तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बेहतर हो जाएगा और जैसे ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो वो ईजिली मूव कर पाएगा. सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करें तो किस पे हमारा हार्ट रेट और BP डिपेंड कर रहा है, हमारी एक्सरसाइज के इंटेंसिटी पे, उसके ड्यूरेशन पे, उसके टाइप पे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी. हॉट एनवायरनमेंट में अलग रिस्पॉन्स आता है, कोल्ड एनवायरनमेंट में अलग रिस्पॉन्स आएगा और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अलग रिस्पॉन्स आएगा. एंड देन इमोशनल इन्फ्लुएंस, यानी आपके जिससे भी इमोशंस हैं प्री एक्सरसाइज, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी एक्सरसाइज के, जो आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर की एक्टिविटी के चेंजेस पे. ट्रांजिशंस फ्रॉम रेस्ट टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज टू रिकवरी. अब क्या होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारी के बस वो बढ़ता ही जा रहा है, वो उसको वापस भी आ जाता है बहुत ईजिली. सबसे पहले हमारे अगर हम ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होने के बाद, डैट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है. फिर एक टाइम के बाद वो प्लेटू फॉर्म हो जाता है. इसी तरह जब आप एक्सरसाइज
कम कर रहे होते हैं रिकवरी के दौरान, वो वापस से हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट वापस से आहिस्ता आहिस्ता करके डिक्रीज हो रहा होता है, और वो वही आपकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एंड ट्रेनिंग स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज कर रहा होता है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा होता है, और एट टाइम्स वो 100% प्लेट्यू फॉर्म कर लेता है, जहाँ पे वो 100% वीओ टू मैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है। ऐसे तरह मीन न्यूट्रल प्रेशर भी लीनियर इंक्रीज़ करेगा, यानी सिस्टोलिक जो है बीपी वो इंक्रीज़ हो रहा है, डायस्टोलिक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा होता है। डबल प्रोडक्ट क्या है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय सिस्टोलिक बीपी। और अगर हम बात करें इंटरमीटेंट एक्सरसाइजेस की, इसमें आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें आप जो है शॉर्ट पीरियड के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, और फिर आप थोड़ा सा इसको रेस्ट कर रहे होते हैं, या आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, डिपेंड्स ऑन आपने कौन सा प्रोग्राम अपने लिए सेलेक्ट किया। इंटरमीटेंट में आपके जो हार्ट की रिकवरी है, ब्लड की रिकवरी है, वो बूट्स की फॉर्म में हो रही होती है। ये डिपेंड करता है आपका फिटनेस लेवल क्या, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्या, या ड्यूरेशन या इंटेंसिटी एक्सरसाइज की क्या है, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। और अगर हम प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की बात करें तो आपका जो भी कार्डिक आउटपुट है एट टाइम्स वो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है, और उसके बाद आपके क्या होगा, ग्रेजुअली आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है। और वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, अगर डिहाइड्रेशन या प्लाज्मा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपका प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट रेट जो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रिफ्ट भी कहते हैं। आर्म वर्सेस लेग एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम जो आर्म एक्सरसाइजेस हैं यानी आपके हाथों के एक्सरसाइज, जब हम उनको लेग एक्सरसाइजेस से कंपेयर कर रहे हैं तो आपके जो हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर आपकी आर्म एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा होता है, ज़्यादा वो है, वो ज़्यादा हायर है एज़ कम्पेयर टू योर लोअर लिम। तो आपका जो अपर लिम एक्सरसाइजेस में आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का जो बढ़ता है वो ज़्यादा पीक पे जाएगा ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू योर लेग्स। कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स हम ये इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल कमांड थ्योरी की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास हार्ट के मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं, मसल्स के मैकेनोरिसेप्टर्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास बैरोरिसेप्टर्स हैं। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बैरोरिसेप्टर्स इसको फील करेंगे, इसके अलावा आपके पास कीमोरिसेप्टर्स एंड मैकेनोरिसेप्टर्स हैं जो स्केलेटल मसल्स में हैं। मसल कीमोरिसेप्टर्स और मसल मैकेनोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, मसल कीमोरिसेप्टर्स जब भी लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो मसल मेटाबोलाइट्स से सेंसिटिव होते हैं, वो ये कमांड भेजते हैं। और मसल्स मैकेनोरिसेप्टर्स की बात करें, जब भी आप एक्सरसाइज करें, मस्कुलर मूवमेंट हो रही है, फोर्स स्पीड के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सेंस कर लेते हैं। और बैरोसेप्टर्स ब्लड प्रेशर सेंस कर रहे होते हैं, तो बैरोसेप्टर्स कीमोरिसेप्टर्स एंड मैकेनोरिसेप्टर्स सेंस करते हैं, फिर वो ब्रेन तक जाते हैं, एंड देन वो सीवीएस जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। इस तरह आपका कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो आपको प्रॉपर वर्क कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेसिकली दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। If you find any term difficult, you can comment in the comment section. I will explain in at another video. If you have any question, any query, you can comment. If you like my video, then subscribe my channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.